अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं अपने किचन में आलू की कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मजे के ये आलू बनते हैं, मसाला आलू कह लें या आलू की कतलियाँ कह लें, बहुत ही अच्छे और मजे के बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं इनमें किन किन चीजों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने 4 टमाटर लिए हैं, उसे हमने इस तरह पेस्ट सा बना लिया है। यहाँ हमने 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। 5 से 6 हमने हरी मिर्ची ली हैं, उन्हें बीच में से कट कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी ली है और 2 यहाँ हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। और यहाँ हमने 5 से 6 आलू लिए हैं, उन्हें हमने इस तरह गोल गोल सा कट कर लिया है। ज्यादा बारीक भी नहीं काटना और ज्यादा पतला भी नहीं, इस तरह। और इसे हमने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि इनका कलर ना खराब हो। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और पकाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। 1 कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया था, उसके अंदर हमने प्याज डाल दिया है और इसे अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेते हैं। तो चलिए जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे प्याजों को फ्राई होते हुए। तो प्याजों में अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको भी तब तक फ्राई करेंगे जब तक उसका कच्चापन खत्म ना हो जाए लहसुन अदरक का, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो जी, लहसुन अदरक को भी हमने अच्छे से भून लिया है प्याजों के साथ। तो अब हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं। आलू भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू को फ्राई होते हुए भी। तो अब इसमें हम जीरा शामिल कर देंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून जीरा लिया है, इसे डाल दिया है। और अब बारी है स्पाइसेस की। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे नमक, फिर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और अब हरी मिर्चें। और इन मसालों को भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए। दो से तीन मिनट हो गए, हमने मसालों को भी अच्छे से भून लिया है आलू के साथ। अब इसमें हम जो हमने टमाटो प्यूरी बना के रखी हुई थी वो डाल देते हैं। तो जी, हम देखिए टमाटर का जो हमने पेस्ट रखा हुआ था ये डाल देते हैं। तो ये टमाटर का हमने जो पेस्ट बना के रखा था ये डालने के बाद अब इसी ये टमाटर के पेस्ट में हम आलू को गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 14 से 15 मिनट के लिए। कवर करके हम इसे रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। उतने में हमारा ये टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाएगा, हमारे आलू भी गल जाएंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं तकरीबन 14 से 15 मिनट तक, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए, हमारे आलूओं को पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर का इसमें पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारे आलू भी गल चुके हैं, ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं और बस ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे और ये हमने 6 से 7 मोटी मिर्चें जो हरी वाली होती हैं वो डाल देंगे और ये हरा धनिया कटा हुआ। तो जी देखिए, हमारे आलू की कतलियां बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहीं तक हम वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।